फ्रेंड्स, मैं खुशी रू आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चैनल में। 4 साल ससुराल में रहने के बाद विवाहित युवती एक्चुअली में चली गई वापस अपने प्रेमी के पास। उसके बाद क्या हुआ आप जान के हैरान रह जाएंगे, तो चलिए हम आपको बताते हैं पूरी अपडेट क्या है। पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। गाइस, प्यार करने में कोई हर्ज नहीं है, प्यार बहुत ही ज्यादा प्यारा होता है। पर जब आप किसी से प्यार करते हैं उसी के साथ आपको रहना चाहिए, या अगर आप किसी से शादी करते हैं तो उसके साथ शादी भी निभानी चाहिए, ये मेरा मानना है। तो आप लोग पूरी रिपोर्ट जानने के बाद मुझे ये कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस युवती ने, विवाहित युवती ने सही किया है या गलत किया है आपकी नजर में। तो गाइस, ये जो पूरा मामला है उत्तराखंड के नैनीताल से आ रहा है हमारे सामने, जो कि 4 साल लगातार एक्चुअली में अपने घर में ससुराल में रहने के बाद अचानक ही युवती को अपने प्रेमी की याद आने लग गई, जिसके कारण उसने एक ऐसा कदम उठाया जिसके बारे में जान के आप काफी ज्यादा हैरान हो जाएंगे, क्योंकि वो उसके साथ चली गई। और उसी बीच जब 4 साल वो अपने ससुराल में थी, सब चीजें ठीक चल रहा था और उसका एक बेटा भी हुआ जो कि अभी 1 साल का है, और उसी के साथ जब वो अचानक ही घर से गायब हो गई और 15 दिन तक घर पे वापस नहीं आई, तो उसके ससुराल वालों ने पहले रिपोर्ट दर्ज करवाई, और जब रिपोर्ट दर्ज करवाई तब उसके बाद उसकी तलाश की गई, और उसी के साथ जो लड़की के घर वाले थे वो एक्चुअली में उसके ससुराल आ गए जहां पर रिपोर्ट दर्ज करवाई हुई थी। वो लोग ढूंढने लग गए और ढूंढने के साथ साथ एक्चुअली में पता चला उनको कि वो उसी प्रेमी के साथ है जिसका शादी से पहले हमारी लड़की का अफेयर चल रहा था। हालांकि उस वक्त उसने लव मैरिज नहीं की थी, अपने घर वालों की मर्जी से अरेंज मैरिज कर ली थी। अरेंज मैरिज होने के साथ 4 साल के बाद, एक बच्चा पैदा होने के बाद उस लड़की को अपनी प्रेमी की याद आ गई और वो वापस चली गई। 15 दिन के बाद जो कि उसके ऊपर मिसिंग केस किया हुआ था, तो उसको पकड़ के पुलिस स्टेशन लाया गया और लड़की को और उसके प्रेमी को, और वहां पर लड़की को समझाने की काफी सारी कोशिश की गई पर लड़की नहीं मानी। उसने बोला कि मैं अपने प्रेमी के साथ ही जाऊंगी, और हालांकि जो कि लड़की के घर वाले थे उन्होंने लड़की को समझाया कि वो एटलीस्ट जो बच्चा है 1 साल का वो उसके पति को दे दे, तो वो मान गई और उसने अब वो बच्चे को पति को सौंप दिया और अपने प्रेमी के साथ चली गई, और उसने कोर्ट मैरिज भी कर ली है। तो गाइस, यहाँ पर बताइए कि प्यार देखना चाहिए था उस लड़की को, या शादी देखनी चाहिए थी, या बच्चे का मुंह देखना चाहिए था, क्या था, क्या करना चाहिए था उसको एग्जैक्टली, आप ही बताइए अपने विचार। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।